हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ग्रेजुएशन के 6 सेमेस्टर और मास्टर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है द कंसेप्ट ऑफ पीस बिल्डिंग। तो अगर आप लोग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ, जैसे अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट और इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डिटेल्स में चाहते हैं तो ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ पीस बिल्डिंग। तो पीस बिल्डिंग क्या होती है, उसके अलग अलग अप्रोचेज क्या होती है, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले जो पीस बिल्डिंग का कंसेप्ट था वो 1992 में दुनिया के अंदर रखा गया। तो इंटरनेशनल एरिना के अंदर इसका जो शुरुआत थी 1992 में की गई, और उस वक्त तो यूएन जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिनका नाम था जनरल बोर्टस गली, जिन्होंने एक एजेंडा की अनाउंसमेंट की थी और उस एजेंडा का नाम था एन एजेंडा फॉर द पीस बिल्डिंग। तो पीस बिल्डिंग के लिए इस एजेंडा की शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर उनका जो विजन था एक लॉन्ग टर्म विजन था, जिसके अंदर बात की गई थी कि दुनिया के भविष्य को देखते हुए आज से कुछ सालों बाद वो जानते थे कि जो दुनिया की पावर्स हैं उनके जो एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनमें बदलाव आएगा और वो एक कन्फ्लिक्ट की तरफ लीड करेंगी। इसीलिए उन्होंने इस एजेंडा को लेकर आए, एन एजेंडा फॉर पीस बिल्डिंग। और वो जानते थे कि अगर अभी से इसकी शुरुआत करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कई साल लेगा, जिसके अंदर जो पावर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी एटीट्यूड्स को, बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जाएगा और कोशिश की जाएगी दुनिया के अंदर एक बेटर लिविंग कंडीशंस को बनाने की। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि जो पीस बिल्डिंग कंसेप्ट है, एक तो लॉन्ग टर्म है, वो काफ़ी टाइम लेता है, और दूसरी बात ये है इसके अंदर एक कोलैबोरेटिव इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है, मतलब कई देशों के इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है, वो सब आपस में मिलेंगे और दुनिया के अंदर पीस को इस्टेब्लिश करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, इसके कंसेप्ट की, कि पीस बिल्डिंग होता क्या है। उससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहला जो हमारा लेक्चर था जो कि कन्फ्लिक्ट के ऊपर था, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, उसमें हमने इस बात की चर्चा की थी कि दुनिया के अंदर आज के कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर बहुत सारे रीजंस और कॉजेज ऐसे हैं जिससे कि इंटरनेशनल एरिना के अंदर किन्हीं भी दो देशों में या दो से ज़्यादा देशों में कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो पीस बिल्डिंग एक अप्रोच है, एक तरीका है जिससे कि आज के दौर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सबको सॉल्व करने का जो तरीका है उसी को हम पीस बिल्डिंग बोलते हैं। और पीस बिल्डिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एग्जिस्टिंग, मतलब आज के दौर पर जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सबको अलग अलग तौर तरीके से, अलग अलग अप्रोचेस को सॉल्व करेगा, और ना सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स बल्कि इस बात पे भी जोर देगा कि फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके कॉजेज को अभी से प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, जिससे भविष्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वाइज पीस बिल्डिंग इज़ अ प्रोसेस इंटेंडेड टू रिजॉल्व करंट कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रिवेंट फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स बाई एड्रेसिंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू एनकरेज लास्टिंग पीस। और सक्सेसफुल पीस बिल्डिंग प्रोसेस वही है जो आज की प्रॉब्लम तो सिर्फ सॉल्व करे ही करे, उसके साथ साथ भविष्य की प्रॉब्लम्स को देख ले कि फ्यूचर में क्या क्या डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं समाज के अंदर और दो अलग अलग देशों के अंदर, ऐसी सभी प्रॉब्लम्स की कॉजेज को समझे और उनको अभी से प्रिवेंट करने की कोशिश करे। और यही अप्रोच इस बात को एनकरेज करती है कि जो दुनिया है वो सीधे वायलेंस की तरफ रश ना करे, सीधे हिंसा की तरफ ना जाए, उससे ज़्यादा बेहतर है कि जो दो पार्टीज़ हैं वो रैशनल तरीके से, तार्किक तरीके से अपनी समस्या को समझे और एक मिडिल वे निकाले, एक ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे कि उन प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व किया जा सके। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके अप्रोचेस की, डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द पीस बिल्डिंग, मतलब अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग अप्रोचेस जिससे कि दुनिया के अंदर शांति स्थापित की जा सके। इसमें सबसे पहली अप्रोच आती है पावर पॉलिटिक्स, मतलब पीस थ्रू द करेसिव पावर्स। ये जो अप्रोच है बहुत ही अनोखी है, बहुत डिफरेंट है। ये आपसे कहती है कि दुनिया के अंदर एक ऐसी कुछ ऐसी पावर्स होनी चाहिए जो कि स्ट्रांग पावर्स हों, जिनसे संबंधित पूरी दुनिया की राजनीति चलती रहे, मतलब पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है वो उन्हीं के आसपास घूमती रहे, और दुनिया के जितने भी देश हैं वो हमेशा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अलायंस बिल्डिंग कर लें, अलग अलग पावर्स के साथ जुड़ जाएँ, और पूरी दुनिया की राजनीति उन्हीं पावर पॉलिटिक्स के आसपास घूमती रहे, और जो स्ट्रांग पावर्स हैं दुनिया के अंदर उन्हीं की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कैसे भी करके अपनी करेसिव पावर का यूज़ करते हुए दुनिया के छोटे देशों के ऊपर अपना रूल करके दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने की कोशिश करें। और ऐसा होता भी है, एक बहुत सिंपल सी कहावत है, इफ़ यू वांट द पीस यू वुड प्रिपेयर फॉर द वॉर।
अगर आप दुनिया के अंदर शांति चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप जंग के लिए हमेशा तैयार रहें, और ऐसा होता भी है, हमने देखा भी दुनिया के अंदर। फॉर एग्जांपल, दो सुपर पावर्स हैं दुनिया के अंदर और दोनों को ही पता है, उनके दो अलग अलग अलायंस बन रखे हैं, दोनों को पता है कि अगर एक दूसरे के साथ वो लड़ेंगे, हालांकि जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, वो दोनों प्रिपेयर हैं, और लेकिन दोनों को ये बात पता है कि अगर वो आपस में लड़ेंगे, जिससे होगा क्या, दुनिया के अंदर बर्बादी होगी, ना सिर्फ दुनिया के अंदर, उन दोनों का बहुत ज़्यादा लॉस होगा और उनमें से कोई भी नहीं जीत पाएगा। कोल्ड वॉर के हमने इस टाइम में देखा भी है, कोल्ड वॉर के टाइम जब दो सुपर पावर्स थे, सोवियत यूनियन और अमेरिका, दोनों ही वॉर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर थे, लेकिन कहीं पर भी ज़्यादा फिजिकल वॉर उनके बीच में देखने को नहीं मिला। इसी को हम पावर बिल्डिंग, मतलब अलायंस बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि सामने वाली पावर ही बहुत मजबूत है, सामने वाली पावर जब मजबूत होती है तो दूसरी पार्टी उससे जंग नहीं करती है। अब बात करते हैं इसके दूसरी अप्रोच की, तो पीस बिल्डिंग की दूसरी अप्रोच है वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब यहाँ पर क्या है, द पीस थ्रू द पावर ऑफ लॉ, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, इस अप्रोच को हम लोग समझते हैं। तो इस अप्रोच के अंदर क्या होता है कि इस बात पे जोर दिया जाता है कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे संगठन होने चाहिए, कुछ ऐसे एनजीओस टाइप होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए, जो कि बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, और जो हिम्मत रखे दुनिया के देशों को मैनेज करने की। इसका मतलब वो कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिसको दुनिया के सभी देश फॉलो करें और दुनिया के अंदर शांति स्थापित की जा सके। हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं, जैसे सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफ़ी स्ट्रांग और इन्फ्लुएंस रखते हैं दुनिया के ऊपर। कुछ ऐसे हैं जो कि आर्थिक तौर पर इन्फ्लुएंस रखते हैं, आर्थिक पाबंदियां लगा देते हैं किसी भी देश के ऊपर, जिससे मजबूरी में आकर, जिससे दबाव में आकर दूसरे जो पावर होती है उसको जंग छोड़नी पड़ती है। कुछ ऐसे संगठन जो कि पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे कि यूएनओ है, वो कुछ नियम कानून बनाता है पीस बिल्डिंग के लिए, जिसको दुनिया के सभी देश फॉलो करते हैं और दुनिया के अंदर शांति बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो यूएनओ है, एक महापंचायत का काम करता है दुनिया के अंदर, एक ऐसी पंचायत जो बहुत मजबूत हो, जो इस बात का आपको वादा नहीं करती कि वो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, लेकिन हाँ, इस बात को ज़रूर सुनिश्चित करती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है दुनिया के सभी देशों को, जहाँ पर सब लोग आकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। बात करते हैं अगली अप्रोच की। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में हैं तो उसकी आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड लाइव क्लासेस चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं तीसरी अप्रोच की। तो हमारी तीसरी अप्रोच है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब पीस थ्रू द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या है, ये वाली अप्रोच सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर क्या होता है, नेगोशिएशन से, कम्युनिकेशन से क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि दो देशों के बीच में सिर्फ इस बात को लेके कन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर बातचीत बहुत व्यवहारिक तरीके से उनके बीच में हो रही है तो कम चांसेस हैं कि कोई भी एक छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो कई बार रीज़न होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये अप्रोच क्या करती है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में, किन्हीं दो देशों के बीच में कोई भी एक कन्फ्लिक्ट है, कोई भी एक विवाद है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक तीसरा देश बीच में आता है। तीसरा एक वो देश होगा जिसके जो संबंध होंगे दोनों ही देशों से बेहतर होंगे, ए पार्टी के साथ भी, बी पार्टी के साथ भी। तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो दोनों ही देशों को मेज पर, मतलब टेबल पर बातचीत करने के लिए कन्विंस करेगा और दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा और कुछ ऐसे जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनके बीच में उनको सॉल्व करने की बात रखेगा और उनके बीच में एग्रीमेंट को इवॉल्व करेगा, जिससे कि दोनों देशों की जो समस्या है उसको नेगोशिएशन से, बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी अप्रोच की, पीस बिल्डिंग, द पीस थ्रू द विल पावर। और ये वाली अप्रोच है सबसे ज़्यादा ईजी और सिंपल, ये है हमारी गांधी जी का तरीका। अगर किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में कोई लड़ाई होती है, यहाँ पर पीस बिल्डिंग किस हिसाब से आएगी, बाय द डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन। उस किसी भी देश के अंदर इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि अनजस्ट है या इमोरल है, मतलब नैतिक तौर पर गलत है या अन्यायपूर्ण है, तो ऐसी किसी भी स्टेप को, किसी भी सिचुएशन में आदमी फंसे ही ना, मतलब कोई देश ऐसा काम ही ना करे जिससे लगता है उसको ये काम करने से सामाजिक तौर पर किसी का नुकसान हो सकता है। और इन केस उसके अलावा भी
फिर भी किन्हीं दो देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के, उसके विरोध दिखाने के और भी बहुत सारे तौर तरीके हैं बजाय कि जंग करने के। तो कुछ तौर तरीके गांधी जी ने जो सजेस्ट किए थे हमको, जैसे कि नॉन वायलेंस और पीसफुल तरीके से किसी को बॉयकॉट करना, किसी का बहिष्कार करना, स्ट्राइक्स करना, सत्याग्रह करना, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं अपना विरोध दिखाने के सामने वाली पावर के खिलाफ। तो बजाय कि जंग ना करने के पीसफुल तरीके को इस्तेमाल किया जा सके, और सबसे पहले तो अपनी इच्छा शक्ति दिखाई जाए, अगर आपको लगता है कोई भी काम गलत है उसको किया ही ना जाए। तो यहाँ पर इस अप्रोच के अंदर ना तो हमें किसी MNC की ज़रूरत है, मतलब ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, ना किसी स्ट्रॉन्ग पावर की ज़रूरत है, ना किसी मीडिएटर की ज़रूरत है। सिर्फ क्या है, वो दोनों ही देश आपस में बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारी चौथी अप्रोच। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें सबसे पहले हमने कंसेप्ट की बात की, फिर इसके अलग अलग अप्रोचेस की बात की आसान भाषा में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।